और इधर बेमेतरा में फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में बड़ा अपडेट आपको बता दें। इस ब्लास्ट का अब एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया। ब्लास्ट के साथ ही भूकंप जैसा एहसास हुआ, धमाके के साथ मानो धरती थर्रा गई हो। जो सीसीटीवी कैमरा था वो भी एकदम से हिल जाता है इस ब्लास्ट के दौरान। बारूद फैक्ट्री ब्लास्ट में ये बड़ा अपडेट आपको बता दें, जब यह ब्लास्ट हुआ मानो भूकंप जैसी स्थिति, धमाके से जो धरती है पूरी थर्रा गई, कई मीटर ऊंचा गुबार उठा और फिर इसके मलबे में लोग दबते चले गए। ये सीसीटीवी जो इस पूरे घटनाक्रम जिसका फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं वो भी पूरी तरह हिल गया। और इसमें लगातार अपडेट इस पूरे मामले को लेकर आ रहे हैं। बेमेतरा ब्लास्ट मामले में एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें, फैक्ट्री के बाहर तनाव की स्थिति है। मौके पर पुलिस के जवान तैनात हैं। कई लोगों के मलबे में दबे होने की बात अभी भी कही जा रही है। फैक्ट्री का पूरा एरिया करीब 40 एकड़, 50,000 स्क्वायर फीट में 3 सेटअप लगे हुए थे। इसमें से एक सेटअप में ब्लास्ट हुआ है। अब तक जो जानकारी, संजय चौधरी इसके मालिक हैं और तकरीबन 28 साल से ये फैक्ट्री चल रही है। स्पेशल ब्लास्ट लिमिटेड ये इस फैक्ट्री का नाम है। तनाव की स्थितियां बनी हुई है, बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। तो राहत और बचाव कार्य के बीच अपडेट यह भी कि तनाव जैसी स्थितियां बन रही हैं, लोगों की नाराजगी लगातार बढ़ते जा रही है। बारूद फैक्ट्री में जो ब्लास्ट हुआ है उसके बाद जो घायल हैं उनको यहाँ पर राजधानी रायपुर के मेगाहारा हॉस्पिटल में लाया गया है। 7 लोगों को लाया गया है जिसमें से एक की यहाँ लाते तक की मौत हो चुकी है। बाकी 6 जो हैं उनको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रामा जो यूनिट है वहाँ पर भर्ती कराया गया है। जो लोग आए हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। फैक्ट्री तो हम लोग 6 बजे चले जाते हैं सुबह, करीब 8:30 के करीब ब्लास्ट हुआ। जहाँ ब्लास्ट हुआ वहाँ से कितनी दूरी पर थे आप? वही आमने सामने बस लगा है प्लांट। आपने देखा अपने सामने? आमने सामने लगा है। आपने देखा वो जो बिल्डिंग पर खच्चे उड़े हैं? हाँ, पूरा उड़ा गया है वो। पूरा उड़ा गया, डबल मंजिल था, पूरा खत्म हो गया पूरा। अच्छा चंदन भैया, आप जब फैक्ट्री गए तो इसी ड्रेसअप में गए थे क्या? नहीं, अपने जो घर से ड्रेस पहन जाते उसे गए थे। काम करने के लिए जो हम यही पहनते हैं, अपने घर से ले जाते हैं ना, वही पहनते हैं। अलग से कोई आप लोग को कपड़ा वपड़ा, हेलमेट ऊपर कुछ नहीं दिया जाता ना? नहीं, कुछ नहीं दिया जाता। और जो मजदूर हैं उनका कहना है कि करीबन 8 लोग जो हैं वो वहाँ पर अभी भी दबे हुए हैं। और दूसरी बात अगर हम बात करें तो ये जो मजदूर हैं, भले ये दुर्घटना अभी हुई है, ये ब्लास्ट अभी हुआ है, लेकिन ये पूरे समय अगर हम बात करें तो ये बारूद के ढेर पे ही बैठे हुए थे, ये मौत पे ही बैठे हुए थे। और अभी अब देखना ये है कि जो टीम वहाँ पर रवाना हुई है, SDRF की टीम रवाना हुई है, और आपातकाल को लेकर क्या स्थिति है। तमाम दावे किए जाते हैं लेकिन 3 घंटे हो गए, 3 घंटे, और वहाँ पर जो टीम है वो नहीं पहुंची थी। तो मजदूर की जान सस्ती होती है, गरीब आदमी की जान सस्ती होती है। जब वो मर जाता है तो एक मुआवजे की घोषणा कर दी जाती है, उसके पहले जब वो जान खतरे में लेकर बैठे रहते हैं तमाम शिकायतें रहती है, उस पर कोई ख्याल नहीं रखा जाता। जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट है वहां से जो है ऑपरेट करने के लिए शायद ले जाया जा रहा है। तो ये स्थिति जो है वो यहाँ पर है, गनीमत है कि इनकी जान बच गई है। हालांकि डॉक्टर्स जो है उनका कहना है कि ये अभी खतरे से बाहर है। देखना ये है कि इस पूरे मामले में अब किस तरह की चीज़ें जो है वो खतरनाक, भयानक जो जानकारियां हैं वो सामने आती है। कैमरा पर्सन नवीन के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और सहयोगी युगल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे जो तमाम सहयोगी हैं वो अलग अलग जगहों से हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। युगल इस वक्त जुड़े हुए हैं। युगल, तनाव की बात भी निकलकर सामने आ रही है, नाराजगी शायद लोगों की बढ़ती जा रही है, क्या अपडेट? देखिए ललित, वहाँ पर तनाव की स्थिति है, बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स है वो बुलाया गया है ताकि किसी तरह की अप्रिय स्थिति है वो निर्मित ना हो। क्योंकि जो कामगार है जो वहाँ पर लापता है उनके परिजन आए हुए हैं और उन्हें अंदर नहीं जाने दिया है, इसलिए तनाव की स्थिति निर्मित हो रही है। कंपनी प्रबंधन की ओर से कोई भी वहाँ पर मौजूद नहीं है, पुलिस के आला अधिकारी, प्रशासन के अधिकारी जरूर मौजूद है। और जिस तरह से ललित, जैसा कि कंपनी का नाम है स्पेशल ब्लास्ट,
तो ये कहा जा सकता है स्पेशल लापरवाही ब्लास्ट हुई है वहां पर, इतने बड़े पैमाने पर ब्लास्ट हुई है कि आप सोच सकते हैं पूरे 2 मंजिला जो उनका सेट था वो उड़ चुका है और अभी भी कई जो कामगार हैं वो लापता बताए जा रहे हैं। औद्योगिक हादसे के नाम से लेकर ललित आज छत्तीसगढ़ को जाना जाता। आपको याद होगा कि 2009 में बालको चिमनी हादसा हुआ था जहां पर 42 मजदूरों की मौत हुई थी। इसी तरह पे जो रायगढ़ के पावर प्लांट में 8 कामगारों की मौत हुई थी ऊंचाई से गिर करके। इसी तरह जिंदल में भी कर्मचारियों की बड़ी संख्या में मौत हुई थी। तो जो छत्तीसगढ़ में जितने भी बड़े उद्योग संचालित हो रहे हों वहां पर जो हर समय इस तरह के औद्योगिक हादसे हैं वो होते रहते हैं और हादसों के बाद मुआवजे का मरहम जरूर लगाया जाता है, लेकिन उन परिवारों का क्या होगा जिनका बच्चा छिन जाता है, जिनके पति छिन जाते हैं, जिनके बच्चे छिन जाते हैं। सवाल यही है कि इतनी बड़ी लापरवाही में हर बार औद्योगिक प्रबंधन को जो राहत दे दी जाती है, मामले दर्ज होते हैं, अब जांच भी होगी, लेकिन आखिर औद्योगिक हादसे कब रुकेंगे ये सबसे बड़ा सवाल है। अभी भी तनाव की स्थिति है, SDRF की टीम है, उन्होंने रेस्क्यू कार शुरू कर दिया है, 65 से अधिक जो SDRF की टीम है वो वहां पर मौजूद है। दुर्ग और रायपुर की जो SDRF की टीम है वहां पर अब शवों को तलाशा जा रहा है, लेकिन इतना हैवी ब्लास्ट था कि 10 किलोमीटर तक आवाजें आई, धमाके की आवाज सुनी गई, भूकंप की तरह थी, दहल उठा था। इसके अलावा जो 200-300 किलो की जो मशीनें थी वो 400 एक बड़ा सवाल है दूरी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका युगल इस तमाम जानकारी के लिए, आगे भी आपके जरिए अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बेमित्रा ब्लास्ट से जुड़ा एक और अपडेट ये कि मौके पर राहत और बचाव काम जारी है, यही युगल भी अभी बता रहे थे। SDRF की टीम जुटी हुई है, ग्राउंड जीरो को खाली करवाया गया है, कहीं भी रेस्क्यू होता है तो ग्राउंड जीरो को सबसे पहले खाली करवाया जाता है। राहत और बचाव के काम में SDRF की टीम जुटी हुई है और बड़ा हादसा, एक तरफ आग पर काबू पाना, दूसरी तरफ 3 सेटअप यहां पर लगे हुए थे। हमारे बीच मौजूद है कलेक्टर साहब है रणवीर शर्मा। सर, सर किस तरह की स्थिति कंट्रोल में है अभी? तो मतलब कोई ब्लास्ट नहीं है, जो ब्लास्ट हो गया था उसमें 6 लोग घायल हुए थे, तो अभी तो स्थिति कंट्रोल में है जी। ये कुछ जो लोग कह रहे हैं कि उपचार नहीं हो पा रहा है तो उनको क्या संज्ञान में लिया जाएगा? जो उपचार नहीं हो पा रहा है बोल रहे हैं। नहीं, हम बात कर रहे हैं जी, हम बात कर रहे हैं, उपचार भी करवा रहे हैं जी। ये थे कलेक्टर, कह रहे हैं कि बात की जा रही है और इसके बाद सभी का उपचार है वो कराया जाएगा। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ गोल तिवारी, न्यूज अटन, रायपुर छत्तीसगढ़। और इधर बेमित्रा जिले में जो सुबह बारूद फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ और उसके बाद इलाके के कई गांव में मानो अफरा तफरी, इस हादसे में अब तक 1 शख्स की मौत हुई है, 12 से ज्यादा लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं, 6 घायलों को इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया। हादसे के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। मामले की सूचना मिलते ही दमकल विभाग SDRF की टीम मौके पर पहुंची, राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। SP कलेक्टर समेत तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी वो मौके पर पहुंचे, लगातार राहत और बचाव कार्य चल रहा है। बिरला ब्लॉक के बुरसी गांव में ये हादसा हुआ है। इधर बेमित्रा ब्लास्ट की छत्तीसगढ़ सरकार न्यायिक जांच करवाएगी, इस बारे में सीएम साय ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट किया। सीएम ने लिखा कि बोरसी गांव में स्थित बारूद फैक्ट्री में हुए विस्फोट मामले की दंडाधिकारी से जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपए, घायलों को 50,000 की आर्थिक मदद के आदेश भी दे दिए गए हैं। और बेमित्रा ब्लास्ट की न्यायिक जांच होगी, डिप्टी सीएम अरुण साव ने भी यही बात कही है। मृतकों के परिजनों को 5 लाख की मदद मिलेगी, घायलों को 50,000 की आर्थिक मदद दी जाएगी, यही बात सीएम ने भी कही और यही बात डिप्टी सीएम ने भी कही। लगातार हम लोगों से संपर्क में है और यहां के राहत और बचाव कार्य की सतत जानकारी ले रहे हैं। सरकार की ओर से
घटना में मृतक परिवार को 5 लाख रुपए की मुआवजा, घायलों के लिए 50,000 रुपए, इलाज की पूरी व्यवस्था सरकार की ओर से होगी। और जो फैक्ट्री के मालिक हैं उनके तरफ से भी पहल हो रही है कि वे उचित मुआवजा दें। श्रम कानून की तरफ से भी मुआवजा श्रमिकों को मिलना है, वह भी सुनिश्चित किया जाएगा। मजिस्ट्रियल इंक्वायरी का भी आदेश कर सरकार की ओर से यह निर्णय किया गया है कि मजिस्ट्रियल इंक्वायरी करेंगे, विस्तृत इंक्वायरी होगी और इंक्वायरी में जो तथ्य पाए जाएंगे उसके हिसाब से कार्यवाही होगी।